3, 2, 1, maths. Hi students, कैसे हैं आप? देखिए आज हम करेंगे क्वेश्चन जो कह रहा है the sum of three APs, यानी तीन अलग अलग AP है are S1, S2 and S3. तीन अलग अलग APs का जो सम है वो ये है S1, S2, S3. The first term of each is unity. हर उसकी जो पहली टर्म है वो क्या है? यूनिटी. एंड द कॉमन डिफरेंसेस आर 1, 2 एंड 3. इसका मतलब अभी तक मेरे समझ में आया हुआ है कि तीन अलग अलग एपीज हैं S1, S2 और S3. अब सम ऑफ एन टर्म जो दे रखा है पहली एपी का, अगर फर्स्ट एपी की बात करूंगा तो इसका जो दे रखा है सम ऑफ एन टर्म ये दे रखा है, सेकेंड एपी का सम ऑफ एन टर्म S2 दे रखा है, और सम ऑफ थर्ड एपी का जो सम ऑफ एन टर्म है वो S3 दे रखा है. इस वाले एपी में जो A है वो 1 है, इस वाले एपी में भी 1 है और इस वाले एपी में 1 है. यूनिटी, जो यूनिटी लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, इसका मतलब 1 होता है. यूनिटी इज ऑलवेज 1. और जो इनका कॉमन डिफरेंस है, जो इनके कॉमन डिफरेंसेस है, इस वाले एपी का तो दे रखा है 1, इस वाले का 2 और इस वाले का 3, ये लिखा हुआ है. एंड द कॉमन डिफरेंसेस आर 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली. तो इसका मतलब जो सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा था S1, S2, S3 वो रिस्पेक्टिव एपीज का, इसका कॉमन डिफरेंस 1 है, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है और इसका कॉमन डिफरेंस 3 है. तो इट मींस अगर मैं फार्मूला अप्लाई करूं तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ S1 तो यानी n / 2 * 2a + n - 1 * d तो 1 है. तो यानी S1 की वैल्यू तो ये हो जाएगी, S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? S2 की वैल्यू हो जाएगी n / 2 * 2a + n - 1 * 2. और S3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी n / 2 2a + n - 1 * d. तो ये मेरे पास S1, S2 और S3 की रिस्पेक्टिव वैल्यू आ गई, जहां पे इनकी जो फर्स्ट टर्म है a है वो तो सबके 1 1 1 है, ट्वाइस करा सकता, और जो कॉमन डिफरेंसेस है वो 1 2 और 3 है. अब जो मेरे को टू प्रूफ करना है अगर उसका मैं LHS ले लूं, आप देखिए जो मेरे को टू प्रूफ करना है अगर उसका LHS ले लूं तो उसमें S1 प्लस S3 करना है मेरे को, S1 प्लस S3 करना है मेरे को, तो इन दोनों को ऐड करना है. तो देखिए n / 2 2 प्लस n माइनस 1 और इसको इसके साथ ऐड करना है तो ये भी आ जाएगा n / 2 2 प्लस 3n माइनस 3. अब अगर इन दोनों को ऐड करना है तो मैं पूरे में से इनका कॉमन ले लूंगा, पूरे में से मैं n / 2 कॉमन ले लूंगा, तो बचेगा 2 प्लस n माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3n माइनस 3. अब इनको ऐड कीजिए, देखिए क्या बचेगा n / 2, ये तो बचेगा n प्लस 4n हो जाएगा, ये तो n प्लस 3n 4n हो जाएगा, और ये जो बचेगा ये बचेगा 2 प्लस 2 4 2 प्लस 2 4 और माइनस 1 और माइनस 3 तो माइनस 4. तो आपने देखा सिंपली ये क्या रह गया, 0. अगर मैं इसको नमस्ते करूंगा तो 2 1 2 2 2 तो सिंपली ये क्या रह गया 2n स्क्वायर. तो इसको तो आप डाल दीजिए फर्स्ट, तो यानी अगर मैंने LHS सॉल्व किया तो मेरा आ गया 2n स्क्वायर. अब अगर मैं RHS सॉल्व करूंगा तो जो मेरा RHS है वो ले लेता हूं मैं, अगर मैं मेरा RHS लिया जो कि है ट्वाइस ऑफ S2, S2 की वैल्यू ये है, मैं ये पुट कर देता हूं, तो देखिए ट्वाइस ऑफ S2 यानी इनटू n / 2 2 प्लस 2n माइनस 2, इससे इसकी नमस्ते 2n इनटू n जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपली 2n स्क्वायर. तो हमने देखा कि बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से LHS is equals to RHS, therefore hence proved. तो हमारे को जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया है, LHS और RHS आपस में इक्वल आ गए हैं, यही मेरे को प्रूफ करना था. तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, फिर भी कुछ डाउट हो कुछ ना हो तो प्लीज डू लेट अस नो. एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.